हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल मार्वल में। तो दोस्तों, आज है आपको मैं टाइल लगा के दिखाऊंगा जिस तरह से इस जगह पर टाइल लगाई जाएगी। देख सकते हैं आप, ये जो थड़ी का एरिया है थोड़ा सा मैंने ये डाउन कर दिया है यहाँ पर। अब देख सकते हैं, जो पिछली वीडियो में मैंने टाइल लगा के दिखाई थी वो एडहेसिव से टाइल लगा के दिखाई थी। यहाँ पर मैं टाइल जो है एडहेसिव से नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर मैं टाइल जो है सीमेंट से लगा के दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह से जो मैंने ये टाइल लगाई है अभी कच्ची की है, अब मैं इसको फिक्स करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो भाई, जो भी मैंने ढाल दे रखी है, तो मतलब पहले जो ये मसाला बिछाया है आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव, तो मैंने ढाल वगैरह जो भी दी है सब मसाले में ही दे दी है। अब मैं जो हूँ ये घोल से टाइल लगाने वाला हूँ, तो मैंने ये घोल बना लिया है सीमेंट का। अब मैं इस पर डालूँगा, इस तरह से आप देखते हैं भाई ये घोल डाल रहा हूँ, इस तरह से अब आप लाइव देख रहे हैं। इससे क्या होता है गाइस, ये एडहेसिव से भी ज़्यादा फास्ट टाइल लगती है। एडहेसिव से थोड़ा टाइम लगता है टाइल लगाने में, और ये वाली जो टेक्निक है डायरेक्ट आप मसाला बिछा के टाइल जो है लगा सकते हैं। अगर ये जो टाइल लगा हुआ गाइस, आप ये मतलब ताज़ा मसाला रहना चाहिए बिल्कुल ही। अगर ताज़ा मसाला होगा तभी भाई आपकी जो है टाइल लग पाएगी। अगर इस तरह से ये जो मसाला है अगर हल्का सा भी सूख जाएगा तब ये इतनी पकड़ जो है नहीं करेगा। अब भाई मैंने जो है ये घोलवा डाल दिया जिस तरह से आप लाइव देख रहे हैं। उसके बाद आपको ये थोड़ा सा हवा लगवा लेनी है ताकि ये थोड़ा सा सूख जाए, इसमें पानी जो है कम हो जाए। इस तरह से अगर आपको हल्की फुल्की कमी लग रही है तो आप एक बार घोल और डाल सकते हैं। उसके बाद भाई आपको ये रख देना है टाइल इस तरह से रख देना है। उसके बाद जो है आपको ये भाई मैंने टाइल जो है रख दी है। अब मैं इसको प्रेस करके दिखाऊंगा टाइल जो है प्रेस किस तरह से करना है। देखिए गाइस, ये जो टाइल जो है मैंने रख दी है, अब मैं जो हूँ इसको प्रेस करके दिखाऊंगा। चलो, तो भाई अब जो टाइल है इस तरह से हथौड़े की मदद से प्रेस कर देना है। देख सकते हैं इस तरह से भाई टाइल जो है खाली नहीं रहती है। एडहेसिव से भी टाइल खाली नहीं रहती, इस तरह से भी नहीं रहती। देखिए भाई, आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए आवाज़, ये जो है मैंने टाइल जो है फिक्स कर दी है और ये अभी कच्ची है। आपको आवाज़ का फ़र्क लगता होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए आप, ये देखिए इसकी आवाज़ कितना फ़र्क है। तो भाई एक टाइल जो है मैंने फिक्स कर दी, अब जो है मैं दूसरी टाइल फिक्स करने वाला हूँ। क्या हुआ, ले आओ नीचे से। अब भाई ब्लैक वाली टाइल जो है फिक्स करने वाले हैं। तो इस तरह से जो टाइल लगाते हैं ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि एडहेसिव से जो टाइल लगाओगे तो एडहेसिव से तो भाई आपको जैसे आप मसाला बिछाओगे, मैंने अभी मसाला बिछाया है तकरीबन 20 मिनट हुए हैं मुझे। अगर आप उस तरह एडहेसिव से लगाओगे तो कम से कम 2 दिन जो है आपको छोड़ना पड़ेगा, मतलब वो प्लास्टर करने के बाद। इस तरह से भाई आप डायरेक्ट लगा सकते हो, और इसमें थोड़ा सा खर्चा भी कम आता है। जो मालिक को जो मतलब टाइल लगाओगे उसका थोड़ा सा खर्चा भी कम आता है। पर अगर हम मजबूती की बात करें तो यहाँ पर भाई एडहेसिव के हिसाब से ये थोड़ी सी मजबूती कम होगी। देखिए गाइस, अगर आप टाइल लगाओगे तो फास्ट जो है इस तरह से लगेगी। अगर मजबूती की बात करें तो मतलब हल्का फुल्का तो भाई फ़र्क होगा ही। इस तरह से भाई हमें रख देना है टाइल। तो आपके सामने ही है, 2 पीस लगाने में मैंने कितनी देर लगाई, तकरीबन बहुत से 5 मिनट लगे होंगे सिर्फ 2 पीस लगाने में। ये देखिए, 5 मिनट में 2 पीस लगा दिए। भाई ये जो है 2 पीस तकरीबन लग चुके हैं, है ना। 2 पीस जो है हमारे लग के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं।
और टाइल लगने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगा भाई किस तरह का जो हमारी टाइल लग रही है। अगर आप इस तरीके से टाइल लगाओगे काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा काम, तो मैं आपको लगने के बाद दिखाऊंगा भाई टाइल जो है किस तरह की दिख रही है। तो गाइस अब जो है हमारी टाइल लग के बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं लगने के बाद जो भाई आपके सामने ही है किस तरह की जो है ये टाइल दिख रही है। देखिए हमने जो ये टाइल लगाई है तकरीबन चेक में लगाई है, और गाइस जो हमने ये टाइल लगाई थी मतलब जिस तरह से आपको दिखाया कि घोलुआ से अगर आप टाइल लगाएंगे तो मतलब थोड़ी सी फास्ट लगती है, एडहेसिव के अकॉर्डिंग हिसाब से ये थोड़ी सी फास्ट लगती है। तो वही लगने के बाद देखिए आप किस तरह की दिख रही है। तकरीबन हमारा ये थड़ी का एरिया है, यहाँ पर कपड़े वगैरह धुलेंगे तो हमने थोड़ा सा ये मतलब डाउन कर दिया है, तकरीबन आधा इंची जो है यहाँ पर हमने डाउन रखा था ये। तो भाई तकरीबन हमारी कंप्लीट सारी टाइल जो है ये कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हैं आप, आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ यहाँ पर। कोई देखिए किस तरह की जो है टाइल लग रही है, और ये थोड़ा सा जाल का एरिया तो हमने थोड़ा सा ऊंचा कर दिया है तकरीबन एक इंची। तो गाइस अगर आपको हमारी छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।